चलिए अब देखते हैं कि नागालैंड का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और असम के राज्यपाल द्वारा इसका प्रशासन देखा जाने लगा। इस क्षेत्र को नागा हिल्स त्वेनसांग क्षेत्र के नाम से जाना गया। प्रशासन की इस प्रकार की व्यवस्था जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया और असंतोष पनपने लगा। अतः 1961 में नागा हिल्स त्वेनसांग क्षेत्र का नाम बदलकर नागालैंड रखा गया और 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा भारत सरकार और नागा पीपुल्स कन्वेंशन के बीच हुए एक प्रकार के समझौते के अनुसरण में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करने के लिए एक नया अनुच्छेद 371 क जोड़ा गया। इस प्रकार नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा दिसंबर 1963 को नागालैंड का भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में विधिवत उद्घाटन किया गया। इस प्रकार 1 दिसंबर 1963 को 16 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारतीय संघ में शामिल थे।